दुनिया का हर इंसान अपनी लाइफ में एडवेंचर करना चाहता है, लेकिन उसका ज़्यादातर समय एडवेंचर प्लान करने में ही निकल जाता है। और अगर आप भी इन्हीं में से एक हैं तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में इंडिया के टॉप एडवेंचर डेस्टिनेशन, जहाँ पर जाके आप एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। तो हे गाइज, मैं हूँ अंकित और मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं इंडिया के टॉप 16 एडवेंचर डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हमारी सबसे पहली लिस्ट में है बिरविलिंग। बिरविलिंग हिमाचल की घाटियों में बसा एक छोटा सा गाँव है जो अपनी खूबसूरती और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसी के साथ आप यहां पर एडवेंचर के लिए पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग कर सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। हमारी दूसरी लिस्ट में है राजस्थान। राजस्थान को शाही महलों और किलों के गढ़ के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पर कई जगहों पर घूम सकते हैं और एडवेंचर के लिए आप यहाँ पर हॉट बलून की सफारी कर सकते हैं और जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। हमारी तीसरी लिस्ट में है ऋषिकेश। दोस्तों, आप में से सभी लोग ऋषिकेश के बारे में जानते होंगे। ऋषिकेश को उत्तराखंड में गंगा नदी के साथ बसाया गया है और यह जगह तीर्थ स्थल और योगा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप एडवेंचर के लिए राफ्टिंग, रॉक एंड क्लिफिंग चढ़ाई और बंजी जंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है लद्दाख। लद्दाख को मठों की भूमि के रूप में जाना जाता है और भारत के सबसे ऊंचाई वाली जगहों में से एक जगह है। और आप यहाँ पर एडवेंचर के लिए बाइकिंग कर सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं और चादर ट्रैक पर ट्रैकिंग कर सकते हैं, जो कि एक जमी हुई नदी है। दोस्तों, हमारी पांचवी लिस्ट में है मनाली। मनाली हिमाचल का एक टाउनशिप और लोकप्रिय स्थान है। दोस्तों, मनाली में आप एडवेंचर के लिए बाइकिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं और इसी के साथ आप यहां पर लोकल एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
दोस्तों हमारी अगली लिस्ट में है औली। औली उत्तराखंड में एक छोटा सा शहर है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पर एडवेंचर के लिए घुमावदार ढलानों और साफ वातावरण में कुरीदरा और स्की तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों 9th नंबर पर है थॉटिकॉट बर्ड सेंचुरी। थॉटिकॉट बर्ड सेंचुरी केरल में स्थित है जो कि अपने घने पर्णपाती पेड़ों की वजह से जंगल को हमेशा सदाबहार बनाए रखता है। यहाँ पर एडवेंचर के लिए आप पार्क में घूम सकते हैं और दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों 11th नंबर पर है केरला। केरला समुद्र के किनारे बसा एक राज्य है और अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप एडवेंचर में विंड सर्फिंग कर सकते हैं और इसी के साथ केरला शांत लहरों के साथ शांत वातावरण के लिए टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों 12वें नंबर पर है अंडमान आइसलैंड। अंडमान आइसलैंड भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आप जल पर आधारित गतिविधियां कर सकते हैं। आप यहां पर एडवेंचर के लिए स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों हमारी 13 नंबर पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अपने वन्य जीवन के लिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप यहां पर एडवेंचर के लिए टाइगर सफारी और एलिफेंट सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। Thank you.
दोस्तों हमारी 14th नंबर पर है गोवा। गोवा भारत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है और यह साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। और आप यहां पर एडवेंचर के लिए काइकिंग, पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग का लुप्त उठा सकते हैं और इसी के साथ आप यहां पर स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे 15 लिस्ट पर है सिक्किम। सिक्किम भारत का पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है जो कि अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और सिक्किम हिमालय के नज़दीक होने की वजह से अपने खूबसूरत दृश्य को प्रस्तुत करता है। और आप यहां पर एडवेंचर के लिए माउंट पंडिम, माउंट थिंचिंग, माउंट जोपनो और कंचनजंगा पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारी 16 लिस्ट पर है मेघालय। मेघालय भारत की खूबसूरत जगहों में से एक है और गुफाओं की श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। और एडवेंचर के लिए आप यहां पर विशाल गुफाओं की खोज कर सकते हैं और कुछ गुफाओं के हिस्सों पर चढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारी आखिरी लिस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती के साथ अपनी क्रूर नदियों के लिए जाना जाता है जो कि प्रकृति का प्रकोप दिखाती हैं। और यहां पर आप एडवेंचर के लिए कायकिंग और राफ्टिंग का लुप्त उठा सकते हैं और यहां पर राफ्टिंग के लिए ब्रह्मपुत्र नदी सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हे गाइज, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के रिलेटिव अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं।